इसका नाम लिखो, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दिस इज टू मिथाइल प्रोपेन। अब इसको आइसो में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस इन आइसो ग्रुप। कन्वर्ट दिस इन द आइसो ग्रुप। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट ये बताओ। जैकलिन आपने बताना बेटा। जैकलिन आपने नेम बताना है इसका। जी जैकलिन बोलिए बेटा। क्या कह रहे हो? ओनली टू, सिंगल टू, टू डाइमिथाइल। यहां पर आपने क्या बोला मुझे? डाइमिथाइल है तो दो नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं आपको। आपने यहाँ पे डाइमिथाइल बोला ना, दैट मीन्स हियर यू आर सेइंग कि दो मिथाइल ग्रुप हैं। यहाँ पे आपने एक मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बताई है, दूसरे की क्या है? दूसरे मिथाइल ग्रुप की कौन सी पोजीशन है? टू नमन। दूसरे मिथाइल ग्रुप की क्या पोजीशन है बेटा? टू। तो यहाँ पे टू टू डाइमिथाइल ब्यूटेन आना है। और नॉर्मल दूसरा ये ऐसे बताओ मुझे, कॉमन नेम बताओ इसका। कौन सा हेक्सेन? नहीं, सेकेंडरी तब देखना है जब फंक्शनल ग्रुप। हाँ, अब ये कौन सा है? नियो हेक्सेन। नियो क्यों है? व्हाई दिस इज नियो? क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन एटम जो है वो दो एल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच। यहाँ पर जो सेकेंड लास्ट कार्बन था वो एक ग्रुप के साथ अटैच था, तो ये आइसो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट बताओ, नमन बताएगा अब। चलिए नमन बताओ। ये क्या हो गया? पीसी बंद हो गया।
चलो हाँ जी नमन बोलो, उसका नाम क्या है? दैट इज 2-methyl pentane और दूसरा नाम पेंटेन आएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया इतना। अब देखो सर इधर, अगर यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगाया तो इसका नाम 2-methyl propane है। ठीक है, अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम 2-methyl propane है। यहाँ पर अगर मैं एक फंक्शनल ग्रुप लगा देती हूँ, मिथाइल वर्ड हट जाएगा, क्या नाम बनेगा इसका? सिंपल नेम बताओ पहले, प्रोपेन। और ऐसे क्या बनेगा? देखने तो तीन कार्बन ही है ना, कार्बन ही देखने हैं ना यहाँ पे आइसो के साथ, कितने कार्बन है? आइसो ही रहना है। आगे बोलो, हो गया? अच्छा मेरी बात बोलो, अगर पहले वाला जो आपने लिखा था, ठीक है, उसमें CH3 ग्रुप था, तो इसमें मैंने सिर्फ CH3 को OH से रिप्लेस किया, लगा तो ये भी सेकंड पोजीशन पे ही है ना,
क्या नाम बनेगा? आइसो। आगे प्रोपेन नहीं लिखना, हमने हमने प्रोपाइल ग्रुप लिखना है क्योंकि ये प्रोपाइल ग्रुप है। प्रोपेन नहीं लिखना। क्या क्या सेकेंडरी यहाँ पर आप लिखना, लिख लो आइसो और सेकेंडरी, दोनों टर्म्स सेम है बेटा। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिखना है सेकेंडरी लिख लो। यहाँ पर ये हम उसके लिए यूज करते हैं अल्काइल ग्रुप्स के लिए। यहाँ पर जो सेकेंडरी वर्ड है वो हम यूज कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। अगर आपने आइसो और सेकेंडरी दोनों लिखने हैं, दोनों में से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहना है वो भी कह सकते हो, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। नाम ये भी ठीक है, बट नाम वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आइसो प्रोपाइल अल्कोहल लिखूंगी डेट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि एक में हम अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं, एक में हम फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, और दोनों की पोजीशन हम टू ले रहे हैं, दोनों की पोजीशन हम टू ले रहे हैं। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब अल्काइल ग्रुप लगा है तो वो दो कार्बन के साथ अटैच है, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के साथ अटैच है। जब फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो दो कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो दो कार्बन के साथ अटैच्ड है तो सेकेंडरी लिख दिया। अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिखा होता, अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा होता जो पहले था, ठीक है, डेट वॉज एक्चुअली एट दी विच पोजिशन, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे है, ठीक है, तो आपने आइसो लिख दिया। दोनों नेम्स सही है बेटा, either you can write isopropyl alcohol or secondary propyl alcohol, ठीक है जी, clear है। आगे लिखो, write down next, इसका नाम बताओ मुझे। इसका बताओ, वन कॉमा फोर कैसे आ गया? दो कार्बन है बस, क्लोरीन थोड़ा इंक्लूड होगा, क्लोरीन तो ग्रुप है ना। क्या नाम है इसका? 1.2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखो, इसकी नेमिंग बताओ। हाँ जी नमन, इसकी नेमिंग बताओ। जैकलिन, इसकी नेमिंग बताओ। कल मैंने आपको एक ग्लिसरॉल वाला क्वेश्चन डाला था, उसकी क्या नेमिंग थी? डाला था ग्लिसरॉल वाला, अच्छा प्रोपेन 1-2-3 डायोल डाला था, ट्रायोल। बोलो इसका नाम, बहुत औखा है। 1-2-3
पहले लिखेंगे प्रोपेन, फिर वन थ्री डायोल। स्कीम क्या याद रखनी है आपने? सबसे पहले सेंटर में लिखना है हमने वर्ड रूट। इस तरफ आते हैं सफिक्स, दैट इज द प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। बेटा इसको याद रखना है नेमिंग के लिए। इस तरफ लिखे जाएंगे प्रीफिक्स, जो पहले लगते हैं। ठीक है जी, राइट। वर्ड रूट आपका मिथ, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सारे आ जाते हैं। सेकेंडरी सफिक्स आ जाता है आपका एन, इन एंड आइन। ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पर पहले सेकेंडरी लिखा जाता है, प्राइमरी में आपके आ जाते हैं साइक्लोहोल, सेकेंडरी में आ जाते हैं आपके मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, क्लोरो, ब्रोमो, ये सारे ग्रुप आ जाते हैं। इस स्कीम के अकॉर्डिंग चलोगे तभी आएगा आपको बेटा। अगर क्लोरो मिथाइल ग्रुप लगे तो आप पहले लिखते हैं ना वन थ्री डाई मिथाइल, वन इथाइल, टू इथाइल, ऐसे करके लिखते हो, तो वो पहले आप क्यों लिखते हो? क्योंकि स्कीम के अकॉर्डिंग ही पहले लिखे जाते हैं। फिर वर्ड रूट आता है, फिर आप सेकेंड प्राइमरी सफिक्स लिखते हो एन ई नाइन। अब जैसे ये देखो, इसमें ये दोनों चीजें अब नहीं है, इस वाले में अब ये दो चीजें नहीं है, मिथाइल ग्रुप नहीं है, क्लोरो ग्रुप नहीं है, साइक्लो वाला टर्म भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज लिखनी नहीं है हमने, अब हमने ये चीज लिखनी है। वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। वर्ड रूट लिखनी है पहले प्रोप, प्रॉप आपका वर्ड रूट है, उसके बाद सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है सब में। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पर अब सफिक्स ग्रुप कौन सा है? ओल है आपके। किस पोजीशन पे है? वन और थ्री पोजीशन पे है, दो हैं तो डाइओल। इसको लर्न करोगे तो नॉमेनक्लेचर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। अगर आपका यहां पर भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए OH वाला, ठीक है, यहां पर भी अगर एक OH ग्रुप अटैच हो जाए तो दिस इज प्रोपेन वन टू थ्री ट्रायोल, और इसका नाम क्या था? ठीक है, ये याद रखना है, कॉमन नेम है इसका ग्लिसरोल, ग्लिसरोल या ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरोल या ग्लिसरीन। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, इसकी नेमिंग बताओ। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। ईथर क्या होते हैं? आर ओ आर, और जहां पर ये आ जाते हैं वी कॉल्ड देम एज एल्कोक्सी एल्केन। इथॉक्सी इथाइल ऑक्सी नहीं लिखना, एल्कोक्सी का है मैंने, एल्कोक्सी के अकॉर्डिंग इथॉक्सी बनेगा, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इथॉक्सी इथेन, क्योंकि यहां पर भी इथाइल ग्रुप है, यहां पर भी इथाइल ग्रुप है, तो दोनों सेम है। और दूसरा अगर आपने कॉमन नेम बताना है इसका तो वो क्या बनेगा? ये तो आईयूपीएसी नेम हो गया, डाई इथाइल ईथर। दो इथाइल ग्रुप्स हैं, दोनों सेम है तो डाई इथाइल ईथर लिखा है। अब अगर मिक्स्ड आ जाता है कोई, सपोज लाइक दिस,
CH3O CH2 CH3, तो फिर इसका क्या नाम बनेगा? अब एल्कॉक्सी वर्ड आपने उसको देना है जिस तरफ कार्बन कम है, ठीक है? ये रूल मैंने पहले भी बताया था, आपने एल्कॉक्सी वर्ड उसको देना है जिस तरफ जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो कम है। किस तरफ कम है? इस तरफ कम है, ठीक है? तो इसको हमने एल्कॉक्सी ग्रुप में इंक्लूड करना है। तो डेट विल बी क्या बनेगा? मिथॉक्सी इथेन। तो डेट विल बी मिथॉक्सी इथेन। और दूसरा नाम, कॉमन नेम, इथाइल मिथाइल इथर। अल्फाबेटिकली चलना है, अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? ई आता है, तो दिस इज इथाइल मिथाइल इथर, ठीक है? अब एसिड्स लिखिए, लेट्स डू द एसिड्स नाउ। आपको कल पेपर में एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पूछा था, ठीक है? तो एसिड से हमने जनरल स्टार्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है COOH क्या है, इट विल बी, दोनों बोलो IUPAC नेम और दूसरे नेम्स। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड। अब एक एच को रिप्लेस कर दो एल्काइल ग्रुप से, तो डेट विल बी कौन सा एसिड है? मिथ के बाद क्या आता है? फिर इतना क्या सोच रहे हो? कॉमन नेम एसिटिक एसिड। नेक्स्ट डेरिवेटिव लिखो। नेक्स्ट डेरिवेटिव कौन सा आएगा? CH3 CH2 COOH। तो 1, 2 and 3 कार्बन आ गए, ठीक है? तो ये कौन सा एसिड है? प्रोपेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम भी सेम है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है जी? आगे लिखिए ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट राइट डाउन ब्यूटेनोइक एसिड। IUPAC नेम क्या हो गया? ब्यूटेनोइक। कॉमन नेम हो जाता है ब्यूटायरिक। कॉमन नेम क्या हो जाता है? ब्यूटायरिक, ठीक है? 5 वाला लिख लो पेंटेनोइक। 5 वाला पेंटेनोइक। और इसका कॉमन नेम है वैलरिक एसिड। वैलरिक एसिड, ठीक है? हाँ जी, नमन, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज एसिटाल्डिहाइड? एसिटिक एसिड का क्या है? CH3 दो कार्बन वाली स्पीशीज है, तो उसी को ही कन्वर्ट कर लो ना बस। CH3CHO इट विल बी एसिटाल्डिहाइड। एसिटिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? एल्डिहाइड ग्रुप में। तो दो कार्बन थे, अब भी दो कार्बन, ठीक है? आगे लिखिए, सिमिलरली ये बन जाएगा
प्रोपेन एल्डिहाइड, ये क्या बन जाएगा, ब्यूटायर एल्डिहाइड, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाला बन जाएगा एसिड को, ओइक एसिड को हटा देना है हमने, जैसे वहां पे एसिटिक था, टिक हटा दिया तो एसिटाल्डिहाइड को आगे लगा देना, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर देना, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा प्रोपेन एल्डिहाइड, क्या वहां पर दो ऑक्सीजन, वो ग्रुप चेंज हो जाएगा ना, अरे ग्रुप चेंज हो गया ना, सी एच ओ ग्रुप हो या, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ओइक एसिड हटा देना है तो यहाँ पे प्रोपेन एल्डिहाइड बन जाना, ओके। सिमिलरली यहाँ से भी आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है तो दिस विल बी ब्यूटायर एल्डिहाइड, ओके। आगे लिखिए कीटोन्स का, लिखो एक ये वाला, हाँ ब्यूटाल्डिहाइड, ब्यूटायरिक ब्यूटायर एल्डिहाइड बन जाएगा ना, इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम इसका क्या बनेगा, ब्यूटेनल, अल ग्रुप आएगा ना, आईयूपीएसी में अल ग्रुप लगा देना है आपने, ये तो कॉमन नेम्स बता रही हूं मैं, सो दिस विल बी ब्यूटेनल, दिस विल बी प्रोपेनल, अगर आपने आईयूपीएसी नेम्स लिखने हैं, ठीक है। ये बन जाएगा इथेनल, दिस विल बी इथेनल, ठीक है जी।